दुनिया परमेश्वर के प्रेम को कम नहीं कर सकती हैं। प्रभु का धन्यवाद आप सभी को, जय मसीह की। प्रभु में हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों का जो सियोन प्रार्थना भवन के साथ जुड़े हैं और हमेशा यहाँ के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ हमेशा उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। आज नेपाल से ब्रदर विष्णु हमारे बीच में हैं और किस तरह से वहाँ पर ये रहकर सेवकाई कर रहे हैं और प्रार्थना भवन से जब सेवक उनके यहाँ गए कैसा इनको लगा ये जानकर चलेंगे। आज वो प्रार्थना भवन में हैं। भाई विष्णु जी, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से सियोन प्रेयर टावर में। जय मसीह की। जय मसीह की। सर, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारा जो सियोन प्रेयर टावर चर्च है, परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वास्तव में मैं वहाँ का उनका जो प्रेम है और उनका प्रार्थना दुआ हम लोगों के साथ कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। अभी कई साल हम लोग पहले यहाँ रहे और कुछ साल पटना में भी रहे और उसके बाद अभी लगभग 4 साल से नेपाल में हैं और बीते दिनों में परमेश्वर के दास नेपाल भी गए और बहुत सारी आशीष हम लोगों ने पाया है और उस बात को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ तक है कि परमेश्वर के दास भी हम लोगों के लिए बराबर प्रार्थना में निरंतर याद करते हैं और हम लोग भी सियोन प्रेयर कलीसिया के लिए तमाम टीम के लिए कंटिन्यू प्रार्थना में याद कर रहे हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको परमेश्वर आशीष दिया है। इतनी दूर आप नेपाल से आज भारत में हैं और भारत में सियोन प्रेयर टावर में आए हैं, तो यहाँ की जो सिस्टम है, जो कायदे कानून है, वो आपने भी बताया, आपको यहाँ पर आपने सेवा भी की है, तो कैसा लगता है, कैसा बताते हैं आप अपनी कलीसिया में? जी, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को जब हम बताते हैं कि सियोन प्रेयर टावर में इतने साल से हम लोग कलीसिया में सेवकाई में कर रहे हैं और जो यहाँ का रूल है और जो यहाँ का नियम है वो सब बताते हैं। लोग काफ़ी अच्छा से सुनते हैं और उन लोगों को भी अच्छा लगता है और सब लोग कहते हैं कि वास्तविक में हमें भी एक बार सियोन प्रेयर टावर चर्च में जाना चाहिए और मौका मिलेगा ज़रूर हम जाएँगे। अभी भी करीब 2 पास्टर हमारे साथ आने के लिए तैयार थे लेकिन ऐसे अचानक मैं चल दिया और उन लोगों का समय नहीं मिल पाया और नहीं आ पाए हैं। सो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जरूर इधर आने की तैयारी में है और सब लोग को अभी भी फिर भी मैं बताने में कभी पीछे नहीं हटा हूँ और बार बार हम लोग इस प्रेयर टावर के लिए याद करते हैं और उसकी जगह टेस्टिमनी को बताते रहते हैं और बहुत सारे लोग सुनते हैं और आशीष भी पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। परमेश्वर भाई को बड़ी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।